विशेष रूप से तीन जनपदों में कानपुर, मेरठ और आगरा, इन जनपदों की विशेष समीक्षा उन्होंने की और इन तीन जनपदों की विशेष समीक्षा करने के साथ साथ आज आदेश यह दिया है कि कानपुर के लिए श्री अनिल गर्ग पुनः वहां पर जो एमडी हैं यूपीएसआईडी यूपी सीधा के, वो पुनः टीम लीड करेंगे। उनके साथ वरिष्ठ आईजी स्तर के अधिकारी श्री दीपक रतन साहब जाएंगे और सभी चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा विभाग के भी वरिष्ठ अधिकारी जाएंगे। मेरठ के लिए पुनः आलोक कुमार साहब, विजय प्रकाश साहब जो आईजी हैं, विजय और साथ साथ दो और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी आगरा की समीक्षा करेंगे। मेरठ के लिए श्री टी वेंकटेश प्रमुख सचिव सिंचाई और साथ साथ वहां की आईजी हैं पीटीसी की लक्ष्मी सिंह जी, वो साथ में रहेंगी और दो सीनियर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। तो ये विशेष दल तीन जगहों के लिए बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि इन तीन स्थानों के लिए कानपुर में, मेरठ में और आगरा में लॉकडाउन को और मजबूती से देखने के लिए और दिन प्रतिदिन सुबह और शाम रिपोर्ट लेने के लिए भी उन्होंने निर्देश हम सबको दिए हैं, मुख्य सचिव को दिए हैं, गृह सचिव यानी मुझे भी दिए हैं और साथ साथ जो है उन्होंने चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव को भी दिया है कि इन तीन स्थानों पर विशेष नजर रखते हुए यहां पर हर हालत में जो कोविड का पूरा अभियान है इसको नियंत्रित रखा जाए। जो बाहर के राज्यों से हम लोगों ने अभी तक व्यवस्था दी है, आज लखनऊ, आज पूरे प्रदेश में लखनऊ जोड़ते हुए 57 ट्रेनें आ रही हैं, 57 यूपी में 57 ट्रेनें आ रही हैं और इन 57 ट्रेनों में जो है लगभग 1200 अगर यात्री हम मान लें तो लगभग 70 हजार यात्री से अधिक जो है संख्या हमारी 70 हजार यात्री से अधिक संख्या केवल आज ट्रेनों से हमारे प्रदेश में आएंगे। आपको ये भी मालूम है कि सुबह तक लगभग 215 ट्रेन पिछले दिनों की आ चुकी हैं और लगभग 2,30,000 से ज्यादा जो है लोग जो है अलग अलग ट्रेनों से हमारे यहाँ आ भी चुके हैं। ऐसे में भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं ट्रेनों से, इनके संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया है कि रेलवे स्टेशन से इनको जैसे ही रिसीव करेंगे तुरंत जो है इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी, चिकित्सक वहां मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगे, टेम्परेचर नापेंगे और उनका सिम्टोमेटिक टेस्ट जो है वहां पर करेंगे और उसके बाद फिर इनको आश्रय स्थल ले जाकर वहां भोजन कराकर पानी की व्यवस्था देते हुए बसों में बैठाकर इनको जो है अपने अलग अलग जनपद जहां के रहने वाले हैं वहां भेजा जा रहा है। जहां जनपद पर अपने पहुंचते हैं ये, उनको आश्रय स्थल में पुनः लेते हुए वहां से फिर गांव तक पहुंचाने की, होम क्वारंटाइन तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। हर गांव में निगरानी समिति है और वो निगरानी समिति जो है उस गांव में इनके क्वारंटाइन के समय उनकी पूरी देखभाल करती है, ये देखती है कि वो होम क्वारंटाइन में भी रहें और हर व्यक्ति जो गांव में पहुंच रहा है उसके घर पर चस्पा भी किया जाता है कि वो होम क्वारंटाइन में है। तो इस पूरे कार्य के लिए विशेष निर्देश उन्होंने दिए हैं और मैं ये भी आपको बता दूं कि लगभग अब हम लोग अन्य प्रदेशों से, विशेष रूप से महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, अब राजस्थान से भी हम लोग जो है ट्रेन चलाने की व्यवस्था करा रहे हैं। तो ऐसे में लगभग 200 ट्रेन लाने की अब हम अनुमति इस समय दे चुके हैं जो अगले 2 या 3 दिनों में हमारे प्रदेश में आएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः आज अस्पतालों में पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है और कम्युनिटी किचन के लिए जो विशेष सचिव स्तर के अधिकारी लगाए गए थे उनकी भी जो है उन्होंने जो मौके पर जांच की है उसकी भी आज उन्होंने समीक्षा की
और यह उन्होंने निर्देश पुनः दिया है कि किचन के माध्यम से जरूरतमंदों को भोजन की आवश्यकता जो भी है वो अवश्य रूप से मिल जाए। निरंतर जनपदों में साफ सफाई और सैनिटेशन हो, डोर स्टेप डिलीवरी हो, सप्लाई चेन मजबूत रहे, इस ओर भी उन्होंने निर्देशित किया है। आपको जानकारी है कि प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता लगभग 4,500 से 5,000 की अब होने जा रही है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को दुगना करने का निर्देश दिया है और इसमें सेंट्रल लैब्स, अपने प्रदेश की मेडिकल कॉलेजेस की लैब्स, प्रदेश की अपने मेडिकल डिपार्टमेंट की अपनी लैब्स, अन्य विभागों की, पशुपालन विभाग और प्लांट डिपार्टमेंट की बाकी सबकी लैब्स, सबको जो है इस ओर आगे बढ़ाते हुए उनको मजबूत करने का निर्देश दिया है और ये निर्देश दिया है कि अपने प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को दुगना कर दिया जाए, यानी लगभग 10,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाए। सभी जनपदों में मौजूद वेंटिलेटर्स को फंक्शनल करने का निर्देश उन्होंने दिया है। एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स चूंकि वेंटिलेटर्स के साथ लगते हैं उनको भी निर्देशित किया गया है और मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग के जो सेवाएं हैं उसमें निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन हो, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। नर्सिंग, डेंटल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में L1 कोविड अस्पताल स्थापित करने का निर्देश दिया है। अभी आपको मालूम था, कल हम लोगों ने आपको बताया था कि 53,000 से ज्यादा L1, L2, L3 बेड्स जो है बन गए हैं। अब उन बेड्स को और आगे बढ़ाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। गृह विभाग के सूचना के अनुसार, पुलिस की सूचना के अनुसार, धारा 188 में अब 41,258 FIR दर्ज करते हुए 119 लोगों के खिलाफ नामजदगी की कार्रवाई की गई। विशेष रूप से कानपुर, मेरठ और आगरा का विशेष ध्यान दिया जाएगा और लॉकडाउन अवधि में यहां पर यदि आवश्यकता पड़ेगी तो लोगों को चालान भी किया जाएगा, इसलिए यहां पर और अधिक सख्ती और लॉकडाउन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। वाहनों की चेकिंग में लगभग 38,000 वाहन अब सीज कर दिए गए हैं। लगभग 17 करोड़ के आसपास जो है चालान करते हुए धनराशि भी जमा कर दी गई है। हॉटस्पॉट्स के जो एरियाज हैं उनमें अब 71 जनपदों में 467 हॉटस्पॉट्स हैं जो 308 थाना क्षेत्रों में हैं और हॉटस्पॉट के एरिया में 8,77,000 मकान हैं और लगभग 49 लाख जो है वहां पर जनसंख्या भी हॉटस्पॉट्स के एरियाज में है। हॉटस्पॉट्स के एरिया में सप्लाई की व्यवस्था को भी और मजबूत किया गया है और हॉटस्पॉट के एरिया में किसी भी तरह से जो है सप्लाई बाधित न हो, यह कार्रवाई अवश्य कर ली गई है। जहां तक तबलीगी जमात के संदर्भ में विषय है तो तबलीगी जमात से संबंधित कुल 20 जनपदों में 2,931 व्यक्तियों को जो है आइडेंटिफाई किया गया था और उनमें से 2,670 व्यक्तियों को जो है क्वारंटाइन भी कर दिया गया था। इसके साथ साथ 325 विदेशी जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए व्यक्ति थे उन पर भी कार्रवाई की गई है और अब तक 45 FIR भी ऐसे विदेशी लोगों पर जो है दर्ज की गई है। जहां तक खाद्यान्न की सप्लाई का सवाल है, अब लगभग 3,18,00,000 कार्ड्स पर राशन का वितरण हो गया है। लगभग जो है 7,32,322 मेट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण भी कर दिया गया है। प्रदेश में फूड पैकेट्स का वितरण, लगभग 10,15,00,000 फूड पैकेट्स का वितरण किया गया है जो एक रिकॉर्ड है और साथ साथ गेहूं क्रय भी काफी तेजी से चल रहा है। 5,774 क्रय केंद्रों से अब 161,00,000 क्विंटल गेहूं की जो है खरीद कर ली गई है। उद्योगों के बारे में आपको मालूम है कि काफी उद्योगों को अब चलाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन जो उद्योग क्षेत्र में हमारे श्रमिक हैं और जो अर्बन एरियाज में श्रमिक हैं, रूरल एरिया में श्रमिक हैं, कुल 314 करोड़ बांटते हुए 31.42 लाख श्रमिकों को 1,000 रुपया जो है लगातार 1,000 रुपया महीने के हिसाब से वितरण किया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आज की तारीख में
जो राजस्व विभाग के माध्यम से जो ऑनलाइन एक निशुल्क सेवा स्थापित की गई है उससे लगभग 69,000 कॉल्स जो है अभी तक प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 65,000 कॉल्स का निस्तारण भी कर दिया गया है। तो भारी मात्रा में जो है राजस्व विभाग के कॉल सेंटर के माध्यम से भी कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है। पुनः मैं बल देना चाहूंगा कि आगरा, कानपुर और मेरठ पर विशेष ध्यान देते हुए वहां विशेष टीम भेजी जा रही है, जो आज शाम तक या कल सुबह तक वहां पहुंच जाएंगी और अपना विशेष कार्य करके इन तीन जगहों पर जो है अपनी आख्या देंगी और ये टीम अभी जनपदों में रहकर ही अपना काम आगे बढ़ाएंगी। मैं प्रमुख सचिव चिकित्सा से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपना वक्तव्य देने का कार्यक्रम। धन्यवाद। प्रदेश में अभी तक एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 1884 अब तक कुल 1504 मरीज जो संक्रमित हुए थे वो पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। 1504 जो कल टेस्ट हुए वो 4861। कल भी पूल से टेस्टिंग हुई और 273 पूल टेस्ट लगाए गए, जिनमें 1365 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 1953 लोग भर्ती हैं जो विभिन्न चिकित्सालयों या मेडिकल कॉलेजेस में हैं, और फैसिलिटी क्वारंटाइन में कुल 9003 लोग इस समय रखे गए हैं। जो आज की महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक चिकित्सा शिक्षा के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया है, जिसमें जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए एक मेंटोर इंस्टीट्यूशन का नॉमिनेशन किया गया है। जो हमारे हॉस्पिटल्स कोविड केयर सेंटर या L1 L2 बने हुए हैं, अगर उनको किसी मरीज की चिकित्सा में कोई समस्या आती है या कोई उनको गाइडेंस चाहिए, उनको मार्गनिर्देश चाहिए, कुछ पूछना है, उसके लिए एक हरेक क्षेत्र के लिए मेंटोर इंस्टीट्यूशन नॉमिनेट कर दिया गया है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मंडल हैं, उनके जो जनपद हैं, वहां जो अस्पताल हैं वो मेडिकल कॉलेज मेरठ में एक टीम होगी डेडिकेटेड, जिससे वो कोई भी समस्या आने पर चिकित्सा संबंधी वहां पूछ सकते हैं, और अगर उनसे इसका समाधान न हो तो फिर वो SGPGI की टीम से इसका समाधान करवाएंगे। ऐसे ही जो मध्य क्षेत्र है उसके जो भी चिकित्सक हैं, जो कोविड केयर के चिकित्सालय हैं, वहां की टीम जो मेडिकल कॉलेज कानपुर है उसकी टीम से वहां एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है जो मल्टी स्पेशलिटी टीम होगी, उससे वो परामर्श ले सकते हैं किसी भी मरीज की चिकित्सा के बारे में, और अगर उनसे समाधान नहीं होता हो तो फिर वो मध्य क्षेत्र के लोग KGMU में भी एक टीम बनाई गई है, उससे वो परामर्श ले सकेंगे, उससे गाइडेंस ले सकेंगे। इसी प्रकार से जो पूर्वांचल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मंडल हैं, उनके जनपदों में जो कोविड केयर चिकित्सालय हैं वो लोग, जो प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज है वहाँ की टीम एक डेडिकेटेड बनाई गई है, जिससे वो सलाह ले सकेंगे, और अगर वहाँ से उनको पूरी तसल्ली नहीं हो पाती है तो फिर वो BHU में जो स्पेशलाइज टीम बनाई गई है उससे वो संपर्क करके उनसे मार्गनिर्देश ले सकेंगे। इस पूरे सिस्टम का नाम इलेक्ट्रॉनिक कोविड केयर सपोर्ट नेटवर्क बनाया गया है, ECCS। ये चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसको प्रारंभ कर दिया है, और इससे हम ये समझते हैं कि जो कोविड के मरीज हैं उनकी चिकित्सा में, उनकी चिकित्सा की गुणवत्ता में काफी सुधार आएगा। धन्यवाद।